हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। हिसार के जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में एक साथ 12 मई को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान को सुचारू बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपने हथियार जमा करवाने के निर्देश भी दिए। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि भारतीय चुनाव आयोग ने कल आम लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इस घोषणा के तहत हरियाणा राज्य में जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को निकाला जाएगा और नामांकन की तिथि भी उस दिन से प्रारंभ हो जाएगी और 23 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, 24 को स्क्रूटनी की जाएगी नामांकन की और 26 तारीख को विड्रोल की अंतिम तिथि है और इसी प्रकार से 12 मई को चुनाव कराए जाएंगे। और जैसा कि आपको जानकारी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अनुरोध है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की किसी प्रकार की उल्लंघना ना करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।